माफियाओं के खिलाफ एक स्टोरी चलाया सर और या प्रोटेस्ट किया सर, आप यूथ को क्या अवेयरनेस देना चाहते हो सर? जी बिल्कुल, जो हमारा यहाँ पर जो ये प्रोग्राम था, इट वाज जस्ट अवेयरनेस प्रोग्राम सो दैट वी विल अप्राइज द सोसाइटी कि जो ड्रग्स में हमारे यूथ और ओल्ड दोनों फंसे हुए हैं, ताकि हम उनको उसे निकालें। और आपको मैं इन्फॉर्म देना चाहता हूँ कि सोसाइटी में ये बात जाए कि ओवर द 6 मिलियन ड्रग यूज़र्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एन ऑफिशियल सर्वे ऑफ द इंडिया, और उसमें सितम ज़रीफ़ी तो ये है कि उन 60 मिलियन यूज़र्स में जो लार्ज नंबर ऑफ़ यूज़र्स हु हैव फेल प्रे टू दिस नारकोटिक्स एंड अदर हार्मफुल सब्सटेंस एंड ड्रग एब्यूज़, दे आर जस्ट फॉलिंग द एज ग्रुप ऑफ 10 to 17। सो टुडे वी हैव लॉन्च्ड दिस अवेयरनेस प्रोग्राम इन शुफया, एंड थ्रू दिस वी वॉन्ट टू गिव अ मैसेज टू द होल सोसाइटी दैट यू कम टू द फोर, एंड दिस इज़ नॉट अ फाइट ऑनली ऑफ द गवर्नमेंट दिस ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज़ अ जॉइंट फाइट, वी हैव टू फाइट अगेंस्ट ड्रग एब्यूज, एंड गवर्नमेंट एक्शंस कैन बी पुट इन टू एक्शन एंड इफेक्टिव ऑनली and when the society will support it wholeheartedly. And the aim of this program today was that we want our India free from drug abuse and narcotics and other harmful substances, and this was the program that we have organized here, and the whole students who have supported us, we are so thankful to them, and we ensure that we will not give any space to drug peddlers in our college, and our principal has wholeheartedly supported the committees, and he has organized a discipline committee in college, jiske madhyam se hum yahan par college ko jo yahan par youth hai 18 years aur 20 years ke beech mein, we don't want them to fall prey into this narcotics and harmful substances. Thank you sir. को क्या इंफॉर्मेशन देना चाहते हो? हमारा सर इनिशिएटिव यही है कि हम पूरे कश्मीर को, स्पेशली इस टाइम पूरे अपने शोपियान को ड्रग फ्री बनाना चाहते हैं, और मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है यूथ से कि वो जितना हो सके ड्रग से दूर रहे, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, इससे हमको बेनिफिट नहीं है, ये हमारा फ्रेंड नहीं है, ये हमारा दुश्मन है। जो आज का ये प्रोटेस्ट है, ये कॉलेज से कहाँ तक था ये प्रोटेस्ट? हमने ये प्रोटेस्ट कॉलेज से स्टार्ट किया और हमने इसका एंड किया क्लॉक टावर तक, क्योंकि हमारे मेन मोटिव था लोगों को अवेयरनेस करे, क्योंकि लोग पूरे बाजार में थे, इसलिए हम बाजार की तरफ। एक ये एडिक्शन सेंटर होते हैं जहां उनको थोड़ी मामूली 5-6 दिन के लिए रहना पड़ता है, और उसके बाद वो इससे आज़ाद हो जाते हैं। तो हमारा आज हम बात देने के, एक हम में से कोई नशा नहीं करेगा, दूसरा जो हमारे आसपास में कोई नशा करता है हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे तरीके से, उसको कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी है, और उसको हम मोटिवेट करेंगे इस काम के लिए कि वो तैयार हो जाए कि मैं नशा छोड़ने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद हम उसको डायरेक्शन सेंटर में ले जाएंगे, या अगर उसको थोड़ा असर हुआ है वो घर में भी उसको कुछ दवाई देके उसका नशा बंद करके 2-3 दिन में ही ठीक हो जाए, और जिसका ज़्यादा होता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 दिन में वो पूरा इससे छोड़ वो इस नशे से दूर हो सकता है, क्योंकि वो जो ये नशा है ये बहुत बड़ी बीमारी है इस वक्त, और पूरे जम्मू कश्मीर का, पूरे हिंदुस्तान को इसने अपने लपेट में लिया है। हम चाहते हैं कि हमारा शुपियन, हम यहाँ की बात करेंगे, हमारा शुपियन जो है वो नशे से मुक्त हो, कोई हमारा बच्चा नशे की तरफ ना जाए। हम इसकी तरफ आज बहुत लेते हैं कि हम नशे पे नजर रखेंगे, कौन नशा इनको ये जो चीज़ें हैं सप्लाई करता है, कौन हमारे कॉलेज में हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ करता है, हम उस पर पूरी नजर रखेंगे। आज मैं अपने बच्चों से कहता हूँ वो पूरी तरह से इसके खिलाफ हो जाएंगे और पूरी नजर रखेंगे कि कौन सा बच्चा इसमें मुलविस है, ताकि हम उस तक पहुंच जाए और उसको समझा बुझा कर इस वाहन से उसको दूर करेंगे, ताकि